अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। नमस्कार। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि संडे की शाम में एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पिछले हफ्ते इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में क्या कुछ नया हुआ, मतलब कि वीकली न्यूज़। तो ये वही वीडियो है। इस समय मैं अपने ऑफिस की बालकनी में बैठा हुआ हूँ, अंदर से बाहर हूँ, तो हो सकता है अगल बगल की थोड़ी आवाज़ें इस वीडियो में आ जाएँ। हालांकि इतना डिस्टर्बेंस नहीं है कि आप लोगों को मैं ऑडिबल ना हूँ, सुनाई तो दे रहा होगा और मेरी बातें समझ में भी आपको जहाँ तक है आ जानी चाहिए। बाकी देखते हैं, ज़्यादा दिक्कत होगी तो नेक्स्ट टाइम से अंदर ही बनाया करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो भी वीक में हुआ वो सब मैंने इस पेज पे लिख लिया है ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए, एक आध चीज़ भूल भाल नहीं जाऊँ। तो बताता हूँ मैं आपको कि पिछले हफ्ते की न्यूज़ क्या है। देखिए, सिट्रन ब्रांड इंडिया में एंटर करने वाली है। ब्रांड्स तो खैर और भी आने वाली हैं, लेकिन सिट्रन आने वाली है और बाकी ब्रांड्स की तरह ये भी सबसे पहले एक SUV लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा C5 Aircross। इस SUV को टेस्ट करते हुए देखा गया है इसी हफ्ते में और ये SUV इसी साल के मिड या फिर लास्ट तक लॉन्च की जाएगी। ये SUV लॉन्च होगी सेल्टस, क्रेटा, हैरियर, हेक्टर जिस सेगमेंट में है उसी सेगमेंट में से लॉन्च किया जाएगा। जल्द ही आपको किया मोटर्स का लोगो अलग देखने को मिल सकता है। किया मोटर्स ने एक अलग लोगो के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है, इसलिए वो जल्दी ही आपको नया देखने को मिल सकता है। मॉरिस गैराजेस अपनी हेक्टर के बाद इस साल के आखिर में फॉर्च्यूनर के अगेंस्ट में एक 7-सीटर SUV लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा मैक्सस D90। इस गाड़ी में आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिला करेगा, ऐसी खबर इस हफ्ते में मिली थी। इसके अलावा इसी हफ्ते में ANCAP में, मतलब कि वो NCAP जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करता है, उस ANCAP में सेल्टस का क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, 5 out of 5 stars का। लेकिन ये वो सेल्टस नहीं है जो हमारी इंडिया में बेचती है। ये सेल्टस हमारी इंडियन सेल्टस से काफ़ी ज़्यादा अलग है, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या क्या अंतर है अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इग्निस का फेसलिफ्ट 2020 में आने वाला है और इसी फेसलिफ्ट की कुछ इमेजेस अभी अभी इसी हफ्ते लीक हुई थी और इसी टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था इग्निस के फेसलिफ्ट का ओल्ड इग्निस के साथ। अगर आप ये वीडियो भी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। MG ने 5-सीटर हेक्टर को लॉन्च किया था और अब जल्दी ही ऑटो एक्सपो में आपको 6-सीटर हेक्टर देखने को मिलने वाली है। 6-सीटर से मतलब है कि उसकी सेकंड रो में आपको कैप्टन सीट्स मिला करेंगी जैसे कि इनोवा में देखने को मिलती हैं, और इसी 6-सीटर हेक्टर को टेस्ट करते हुए देखा गया था। इसी तरह से 2020 में आपको विटारा ब्रिजा का फेसलिफ्ट भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको डीजल इंजन के बजाय पेट्रोल इंजन मिला करेगा 1.5 लीटर जो सियाज में देखने को मिल रहा है। इसी विटारा ब्रिजा के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया जिसकी इमेजेस को शायद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और रही बात लॉन्च की तो इसके फेसलिफ्ट को मार्च में लॉन्च किया जा सकता है। ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना, चाइना में जिस कंपनी की सबसे ज़्यादा SUVs बिकती हैं वो है ग्रेट वॉल मोटर्स। कुछ कंपनियां हैं जो ग्रेट वॉल मोटर्स के अंडर में काम करती हैं जैसे कि हैवल। इस कंपनी की SUVs चाइना में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं और ये कंपनी अब इंडिया में आने वाली है क्योंकि इंडिया में भी SUVs की डिमांड बढ़ती जा रही है और वैसे भी इंडिया 5th largest ऑटोमोबाइल मार्केट है। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि ग्रेट वॉल ऑफ मोटर्स ऐसी कौन कौन सी ज़बरदस्त SUVs हैं जो इंडिया में लॉन्च करके यहाँ पर एक तरफा राज कर सकता है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद में किया मोटर्स ने सेल्टस के प्राइसेस को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है करीब 35,000 रुपये। तो अब आपको सेल्टस उतनी सस्ती नहीं मिलेगी जितनी अभी तक मिल रही थी। XUV500 की नेक्स्ट जनरेशन इस साल लॉन्च होने वाली है और इसी नेक्स्ट जनरेशन XUV500 के इंटीरियर को
अभी हाल फिलहाल देखा गया, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गाड़ी लॉन्च कब होगी? इस साल के मिड में ये लॉन्च हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा भी 2020 में लॉन्च होने वाली है। वैसे तो इस नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा की इमेजेस सब कुछ लीक हो चुकी हैं, आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन इंडिया में ये अभी हाल ही में देखी गई थी, ये खबर भी इसी हफ्ते मिली थी। टाटा हैरियर को लॉन्च करने के बाद इसका 7 सीटर वर्जन ग्रेविटास को भी लॉन्च करने वाला है, और ग्रेविटास के ऑटोमेटिक वेरिएंट को भी इसी हफ्ते टेस्ट करते हुए देखा गया था। ऑटो एक्सपो में इसको रिवील किया जाएगा, तब आप इसको पास से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और उसके बाद बहुत जल्दी इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा। टूसोन का फेसलिफ्ट पिछले साल के मिड से लॉन्च हो रहा है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया, लेकिन फाइनली अब जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि इसको भी टेस्ट करते हुए अभी हाल ही में देखा गया था पहली बार भारत में। टाटा अपनी प्रीमियम हैचबैक को 22 जनवरी को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है अल्ट्रोस, और इसकी बुकिंग्स ऑफिशियली ओपन हो चुकी हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे बुक करा सकते हैं, आपको थोड़ी जल्दी मिल जाएगी। इसके अलावा टाटा नेक्सॉन और टाटा टियागो इन दोनों ही गाड़ियों के फेसलिफ्ट भी आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। इन दोनों ही गाड़ियों के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए हाल फिलहाल देखा गया है, तो करीब 6-7 महीने के अंदर ये दोनों ही फेसलिफ्ट लॉन्च भी हो जाने चाहिए। किया मोटर्स सेल्टस की सक्सेस के बाद एक और नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कोड नेम QYI को इंडिया में लाने वाला है, और किया ने कंफर्म किया है कि 2020 के सेकंड हाफ में वो इसको लॉन्च करेगा। इसके अलावा किया प्रीमियम MUV कार्निवाल को 5 फरवरी को ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है, तो अगर आप एक प्रीमियम MUV लेना चाहते थे जो कि 7 सीटर से ज़्यादा हो, क्योंकि कार्निवाल अप टू 8 सीटर होने वाली है, तो आप इसको ले सकते हैं। हालांकि ये प्रीमियम है, तो करीब 25 लाख से ऊपर से ही इसकी शुरुआत होगी। तो न्यूज़ तो बस यही थी पिछले हफ्ते की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपने चैनल की, तो मेरे चैनल पर इस हफ्ते 5 वीडियो डाले गए थे। सबसे पहला वीडियो था ट्राइबर के एक्सीडेंट का, रेनो की MPV ट्राइबर के एक्सीडेंट का, जिसमें उसकी बिल्ड क्वालिटी एक्सपोज हुई है। दूसरा वीडियो था सेल्टस के क्रैश टेस्ट के ऊपर, जिसमें मैंने कंपैरिजन किया है इंडियन सेल्टस और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड की सेल्टस के साथ। तीसरा वीडियो था इग्निस के फेसलिफ्ट के ऊपर, जिसमें मैंने कंपैरिजन किया है इग्निस फेसलिफ्ट और ओल्ड इग्निस का। चौथा वीडियो था ग्रेट वॉल ऑफ मोटर्स के ऊपर, जो कौन कौन सी बेहतरीन SUVs इंडिया में ला सकता है इसके ऊपर। और पांचवा वीडियो था हाईएस्ट सेलिंग SUVs ऑफ दिसंबर 2019 के ऊपर, जो मैंने आज ही डाला है। तो इन पांचों में से अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके इन पांचों को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहाँ से चाहें वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, न्यूज़ तो ये सब हो गई। इसके अलावा एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज सुबह 9 से 10 बजे तक मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया था, जिसमें कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया और कई सारे लोगों ने नहीं भी लिया, शायद हर किसी को पता नहीं चल पाया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन आंसर सेशन में अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाए हैं, तो जैसा कि मैंने अपनी YouTube स्टोरी में बताया था कि हर किसी वीडियो के पब्लिश होने के आधे घंटे के अंदर जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसका जवाब मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो अगर आप नहीं पूछ पाए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी इस चैनल पर डलेगा उसके आधे घंटे के अंदर आप पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपके पास समय है या आप वेट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट संडे की सुबह 9 से 10 बजे तक क्वेश्चन आंसर सेशन वापस से किया जाएगा, तब आप डिटेल में पूछ सकते हैं, जितने चाहें उतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही है। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को साथ में ज़रूर दबा दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।